Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आपके हर शब्द का मेरे पति ने मान रखा, क्योंकि उनमें उनकी आई के दिए हुए संस्कार हैं। मैं भी चुप रही, क्योंकि मुझ में मेरे आई बाबा के दिए संस्कार हैं। मेरे मन में आपके प्रति जो आदर था, वो आज भी है और इसके आगे भी रहेगा। पर एक आई के नाते मुझ पर मेरे बेटे की जिम्मेदारी है, और मेरे बेटे से बढ़कर मेरे लिए दूसरी कोई बात नहीं है, और किसी का शब्द बड़ा नहीं है। सरिता, रुकिए। आप आज तक आपने इनकी सारी बातें मानी, पर मैं नहीं मान सकती। मैं इस घर से बाहर नहीं जाऊंगी, और जाऊं भी क्यों इस घर से बाहर? सरिता, आज तक मैं अपने बच्चों की खातिर चुप रही, अब तू तेरे बेटे के लिए इतना सहल है। मैं अपने बच्चे के लिए चुप नहीं रहूंगी। इसे जो चाहिए वो मांगूंगी, इसके हक का घर भी मांगूंगी, पर इसे इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। आई, आप चुप रही, पर आप जितनी सहन शक्ति मुझ में नहीं है। उम्र भर आपके जितना दुख झेलती रहूंगी, तो कहां से लाऊंगी ये सहन शक्ति? मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने। इससे अच्छा अपने हाथों से अपने पोते को सहलाइए, खुशी होगी मुझे। अरे उसी के लिए कह रही हूँ, शांत हो जा। उसी के लिए ये कदम उठाया है। मैं इस घर से बाहर नहीं जाऊंगी। मेरे बेटे और उसके बच्चे को कुछ भी हुआ ना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, नहीं जाने दूंगी इसे बाहर। सुनिए, मैं इस घर की दहलीज नहीं लांघूंगी। सारा सामान अंदर लेकर आइए। दत्ता, अंदर आ रहे बाबा। सरिता, हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने। जो हुआ सो हुआ, अब तुम कहीं मत जाना। जा, उसे लेकर अंदर जा। अब इस विषय को यहीं रोक दो। बाहर जाने वाली मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, और ये मेरा बेटा काशी नहीं है। मैं इस घर से बाहर नहीं जाने वाली। तुझे लड़के की जान बचाने का मौका दिया था, और तुझे अगर इस घर में रहना है तो लड़के की जान गंवानी पड़ेगी। को खतरा है, वो अन्ना उसे शांति से जीने नहीं देगा। मुझे कुछ भी हो जाए तो चलेगा, पर मुझे मेरे बच्चे को देखे बगैर अब चैन नहीं मिलेगा। मुझे जाने दो, जाने दो, मुझे जाने दो। ये क्या चल रहा है आपका? आपका तो बेटा गया, मेरा कोई नहीं गया क्या? सारा दुख हुआ सिर्फ आपको हुआ, मेरे साथ सब अच्छा हुआ क्या? शोभा, आबा, बोलने दीजिए मुझे। जब से बाड़े पे बच्चा आया है, मेरा काशी आया ऐसा कर रही है। ये खुद का समाधान कर रही है। बच्चे के लिए जान टूटती है तो उसे देखने भी जाती है, पर इन सब में मेरा क्या है? मेरा पति फिर आने वाला है। पूरा जीवन मुझे अकेले निकालना है। मतलब क्या है कहने का?
वो काशी नहीं है। हाँ, आपके लिए आपका काशी होगा, मेरे लिए मेरा पति नहीं है। वो चले गए, वो मुझे अकेला छोड़ गए। जीते जी किसी ने उन्हें सुख से जीने नहीं दिया। आई, मैं हाथ जोड़ती हूँ, जाने के बाद भी उन्हें शांति मिले, उन्हें परेशान मत करिए। इतना सब बताने के बाद भी अगर आपको जाना है तो जाइए, जो करना है करिए। क्या कर रहे हैं? बाटली, अब जाकर जान में जान आई। क्या हुआ? अन्ना, एक संदेशा लाया हूँ। हाँ, निकल, एक जरूरी काम कर रहा हूँ, आज काम तमाम करना है। अन्ना बाटन कर भाई रो रही है। हाँ, चेहरा उतरा हुआ था, मुझे बुला लिया उन्होंने। क्या हुआ? पाटनकर अचानक बीमार पड़ गए, अब उन्हें कहीं ले जाना हो तो वो अकेली कैसे ले जाएंगी? अस्पताल में भी ले जाना हो तो एक अकेली औरत कैसे ले जाएगी ना अन्ना? मैंने कहा उनसे कि मैं चलता हूँ, पर क्या है ना अन्ना, आप जाओगे तो उन्हें थोड़ा आधार मिल जाएगा, तब इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा आपको बुलाने के लिए। चल, चलिए चलिए अन्ना। क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या पूछ रहा हूँ मैं, क्या कर रहे हो यहाँ पर? मेरे बच्चे का मुंह देखने आई हो रे, मेरा काशी वापस आया है, मुझे देखने दे उसे। वो तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा बेटा है, इस बाड़े का वारिस है। बस एक बार उसे देखने दे, मुझे इतना ही मांगती हूँ, बस एक बार। तुम्हें उसकी शक्ल तो क्या, नाखून भी नहीं देखने दूंगा। ऐसा मत बोल रहे, मेरा बच्चा है वो। तुझे कितनी बार बताऊं, ये मेरा बेटा है। निकल जा यहां से, घर में सब लोग सो रहे हैं, निकल। ये पकड़, निकल निकल निकल। दत्ता, ऐसा मत कर रहे, मुझे मेरे बेटे को बस एक बार देखने दे, जीवन में बस एक ही इच्छा है, इतना मेरा सुन ले रहे। तू चाहे मेरी जान ले ले, मैं खुद हंसते हंसते तेरे पैरों पे जान दे दूंगी। निकल निकल यहाँ से। अरे, एक आई की हाई मत ले रे। ए, मेरे सामने ये नाटक मत करा, निकल निकल यहाँ से। रुकिए,
सरिता। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।